Today we start exercise 13.2 question number 5. The question is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with the water up to the brim. When lead shots, each of which is a spherical of radius 0.5 cm, drop into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find number of spherical beads. See, whatever last four sums we are having, they all having lengthy calculation and totally difficult concepts. So here the concept is, we are having inverted cone having hemispherical base. ठीक है, hemispherical ना? Vessel is in the form of an inverted cone. Okay. Vessel is only in the form of inverted cone. Now, look. So this is inverted cone, and in this cone water is filled up to brim. Up to brim का मतलब water एकदम level तक भरा हुआ है. अगर single drop भी आप डालोगे तो water बाहर flow out हो जाएगा. That is called up to the brim. पूरा छलो छल भरा हुआ है, अगर अपने देसी language में बोले तो. ठीक है, now what we are doing, we are immersing lead, spherical lead shot, sorry, spherical beads, है ना? So spherical leads. Okay, so simple logic is that if I immerse spherical beads, the water will flow out. An Archimedes principle we have studied in 9th standard, that whenever we immerse anything inside the water equal to volume of that object flows out. Simple मतलब मैं समझाऊं, तो अगर मैं पूरा एक ग्लास लूं जिसके अंदर पूरा वाटर हमने मैंने पूरे ब्रिम तक भर दिया है, उसके अंदर पेबल्स डालता हूं, तो वाटर बाहर आएगा. वाटर कितना बाहर आएगा? वो पेबल्स के वॉल्यूम जितना. पेबल्स ने जितनी वाटर में जगह रोकी होगी उतना वाटर बाहर आएगा. एंड वी नो वेरी वेल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम. यही लॉजिक है, कोई भी चीज को पानी में डालते हैं तो उसके वॉल्यूम जितना पानी बाहर आता है. अब एक सिंपल लॉजिक है, अब मैंने स्फेरिकल बॉल को पानी के अंदर डाला है, तो जितना पानी बाहर आया होगा वो वॉल्यूम किसका होगा? किसका होगा? ये टोटल स्फेरिकल लीड का. ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि स्फेरिकल लीड डालने से 10 लीटर वाटर बाहर आया, कितना? 10 लीटर. ठीक है, अब मैं मुझे ये जानना है कि मैंने कितनी स्फेरिकल लीड डाली होगी, कितनी स्फेरिकल लीड डाली होगी, तो उसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि एक स्फेरिकल लीड का वॉल्यूम कितना है, एक स्फेरिकल लीड डालने पर कितना पानी बाहर आता है. तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक स्फेरिकल लीड का वॉल्यूम. तो सपोज एक स्फेरिकल लीड का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो मैंने कितने स्फेरिकल लीड डाली? यू विल डू डिवीजन. सेम कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर, हमें यहां पर भी वही करना है. स्फेरिकल लीड डालने पर जितना पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और एक स्फेरिकल लीड का वॉल्यूम फाइंड करना है. दोनों को डिवाइड कर दो, हमारा काम हो गया. दैट्स इट. लॉजिक बहुत सिंपल है. ठीक है, लेट अस राइट डेटा अबाउट कॉन एंड स्फेरिकल लीड. रेडियस, हाइट, स्फेरिकल लीड रेडियस 0.5 एंड अंडरलाइन नंबर ऑफ एंड राइट बिलो इन डिवीजन. सी एक्सेप्ट फिफ्थ चैप्टर
In arithmetic progression, the meaning of number of is n. फिफ्थ चैप्टर में ऐसा लिखा होगा नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी, तब n फाइंड करो. उसके लिए पूरी टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ या हाउ मेनी वर्ड्स आए तो समझ जाने का डिवीजन ही करना है. किसको डिवाइड करना है वो आपको सोचना होगा, जैसे हमने यहाँ सोच लिया. ठीक है, तो सिंपल, जितना पानी बाहर आया है उसके वॉल्यूम से मैं एक स्फेरिकल लीड के वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा. अब टेक्स्ट में पढ़ के मुझे बताओ कितना पानी बाहर आया है. वन फोर्थ, बट वन फोर्थ ऑफ व्हाट? किसका वन फोर्थ? कौन के पानी का वन फोर्थ बाहर आया है. तो कौन में कितना पानी भरा है वो मतलब, उसका मतलब क्या? उसका वॉल्यूम. क्यों? किसी के अंदर कितनी चीज फिल के, वेदर इट इज वाटर, ऑयल, एयर, एनीथिंग, दैट मींस वॉल्यूम. ठीक है, सिंपल. वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड्स. सिंगल लीड. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉर्न? ए वॉल्यूम ऑफ कॉर्न 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज इट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सिंगल लीड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर. नहीं चलेगा 2/3 पाई आर क्यूब. But as I told you, whenever we are going to do some radii, we have to distinguish by R1 and R2. R2. So, upon 4/5. R1. 4/3. Sphere है ना? अच्छा, sphere है. Okay. Upon R1 and sphere R2. Okay. Now, Pythagorean substitute values. ठीक है? मैंने जैसे बताया था वैल्यू सब्सटीट्यूशन किए बिना कुछ भी चीजें कट नहीं करने की भले होती हो, ये आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ा देगी. कुछ लोग लगे 3/3 काट डालो, 4/4 काट डालो. 3/3 करेक्ट है, ये 4/4 नहीं कर सकता, मिस्टेक यहाँ होती है. 1/4 इंटू 1/3 R1 बाय 4/3 R2 5/10. The simple logic of math is that if we are in fraction the denominator, when it comes in numerator it gets reciprocal. Ulta kata. So numerator as it is. The question is, a solid iron pole consists of a cylinder of height 20 cm and base diameter 24 cm. Okay, so it will require more space. Go through it. No need to write. Tap kiya tha. Okay, now we'll solve next question.
क्वेश्चन नंबर सिक्स। यू विल गेट पीक ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स इट इज लुक अ पोल आई अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर व्हेन इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8 फाइंड मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 किलो 8 ग्राम मास। Here we are having two cylinders. One cylinder is surmounted by another cylinder. But tell me, ki whether both the cylinder are of same size? No. No. Radius and height are different. Check it out. So it's like a pole, जो जनरली होता है ये कॉर्डन बनाने के लिए, ठीक है? वो पट्टे पट्टे होते हैं ना, पट्टे में तो सिंपल पोल होता है लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है, ये भी इस शेप का होता है। देखो इसमें कैसा है, ये उसका बेस है, इसके सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। सेम वे विल डिस्टिंग्विश लार्जर एंड स्मॉलर। Give me radius. Larger. Smaller radius. Height. 60. Look, the question is find mass of this pole. Mass का मतलब ये पोल बनाने में कितना मेटल यूज हुआ है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ कि ये नीचे वाला लार्जर सिलेंडर में कितना मेटल यूज किया है वो मुझे फाइंड करना है, तो उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम? क्योंकि मेटल अंदर ही यूज करेंगे ना, तो सिंपल लॉजिक है, कितना मेटल यूज किया फाइंड करना है, मुझे दोनों को वॉल्यूम को प्लस करना है, कोई दूसरी चीज नहीं है यहाँ पर। बट वी आर हैविंग टू डिफरेंट डायमेंशंस, वी डिस्टिंग्विश देम बाय आर1 आर2 एच1 एच2। सो वॉल्यूम ऑफ द पोल will be volume of cylinder plus motor, volume of smaller cylinder. What is formula of cylinder? Pi r square. Since we are talking about the larger cylinder which are having radius and height 1, R1 square, H1, okay? Smaller, same, H2, what common? Pi, only pi common, okay? We'll substitute, you can change your place. Pi, R1 square, H1 plus pi value. ओके आर वन ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू एच वन टू ट्वेंटी आर टू एट इंटू एट इंटू सिक्सटी व्हाट हैपन मल्टीप्लाई 144 क्या वो कॉमन पाई निकाल दिया ना, आपको जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करके 144 22 था, तो 22 आया सेम नंबर 144 22 बन जा 22 22 4 जा 88 88 3168 और 0 इट विल बी 64 इट इज अ 64 64 6 जा 38 हां नमन 64 6 जा 384 384 0
If I add these both, I will get okay. Now 7,800 into 300 So 14 0 0 3 8 24 0 3 7 21 7 0 0 8 4 0 Check it out answer. I think some mistake is there. Multiplication. 2 22 00 512 बिगिनिंग किससे होता है बरोबर करेक्ट ओके वो मुझे सब हो गया बस नंबर सेम आ रहे हैं वो सिक्स का पता है कहाँ जा रहे हो 144 22 का टेक्स्ट नहीं जीरो लगाना रहेगा ना इधर हाँ तो और ज्यादा आएगा चलो बराबर है ना तुम लोगों ने बोला था 0 0 0 लगा यहाँ 3 आता है चलो करेक्ट अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई जैसे 314 और ज्यादा आएगा इसे तो अभी भी मिस्टेक है रुको ये मेजरमेंट सारा करेक्ट लिखवाया था आप लोगों ने मुझे yes, sir. मल्टीप्लिकेशन चेक करो तो 12 12 22 मास आ जाए कोई इशू नहीं है ये नंबर आने चाहिए नंबर कौन सा स्टार्ट होता है आंसर नंबर 8 चालू होता है पॉज कर दो उसको पॉज 6 नंबर है यहां पे 3 5 2 0 था ना और 1 0 नहीं एडिशन करो फटाफट अरे मल्टीप्लाई करो भैया कैसे हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब है हाँ नहीं वो शिट अभी तो ग्राम का रेट कन्वर्जन मार रहा है 111 111 क्या था 5320 अपॉन 100 111532.80 सेंटीमीटर क्यूब ओके नाउ चेक इट आउट फाइंड द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम मास लुक सो व्हेनेवर यू वांट कॉस्ट और सच काइंड ऑफ थिंग ना ऑलवेज इट विल मल्टीप्लाई विद द एरिया सो मास ऑफ पोल ट्रिपल 1532.80 इनटू 8 ग्राम ना मल्टीप्लाई 8 0 0 8 9 2 2 6 2 4 0 ओके नाउ आफ्टर पॉइंट वी हैव 2 0s 2 digit ग्राम रिमेंबर वन थिंग कि व्हेनेवर यू आर हैविंग आंसर इन स्मॉलर यूनिट एनी स्मॉलर यूनिट लार्ज आंसर इज देयर देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लार्जर यूनिट जैसे ग्राम हम कभी भी इतना ऐसा ग्राम नहीं बोलते हैं हम जल्दी इसको किलोग्राम में बोलते हैं तो नाउ इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू किलो ग्राम ये आपको आइडिया आना चाहिए तो आपका कट हो जाएगा ये आंसर पे 1 kilogram इक्वल टू 1000 ग्राम 8 9
शिप पॉइंट थ्री इज वन टू थ्री एट नाइन टू पॉइंट टू सिक्स टू फोर जीरो जीरो ग्राम. ओके सो दिस विल बी द मास ऑफ द क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन. 20 मिनट हो गए. हाँ गो थ्रू इट. सो लेट्स एंड दिस लेक्चर. बाय.